चुनावी साल में भाजपा की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा को एक और तगड़ा झटका लगा है। विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने बीजेपी की सदस्यता से इस्तीफा दिया है। रघुवंशी ने कहा, वो अपनी और कार्यकर्ताओं की उपेक्षा बर्दाश्त नहीं कर सकता। बताया जा रहा है, सिंधिया खेमे के लोग रघुवंशी को परेशान कर रहे थे। चुनाव नजदीक आते ही मध्य प्रदेश में नेताओं के पाला बदलने का दौर शुरू हो गया है। शिवपुरी जिले की कोलारस विधानसभा सीट से विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा तो दिया ही, साथ में भाजपा पर ग्वालियर चंबल क्षेत्र में पार्टी के मूल कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का आरोप भी लगा दिया। वीरेंद्र रघुवंशी ने सिंधिया का नाम लिए बिना ही उन पर तगड़ा हमला बोला। वीरेंद्र रघुवंशी का अगला कदम क्या होगा, ये वो अपने समर्थकों से बात करने के बाद तय करेंगे। हालांकि उनके कांग्रेस में शामिल होने के कयास जोरों पर हैं। करें आगे मुझे क्या करना है, अगर आप सब मशवरा देंगे तो मैं राजनीति में रहूंगा, और नहीं मैं अपने जीवन में जनसेवा करता रहूंगा। मेरे कार्यकर्ता भाइयों से, शुभचिंतकों से, मीडिया के साथियों से, प्रबुद्ध नागरिक जनों से मैं लगातार दो दिन चार दिन जितनी आवश्यकता है संवाद भी करूंगा, लाइव भी रहूंगा, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। जैसे भी आप सब जैसा मार्गदर्शन करेंगे वैसे मैं कदम उठाऊंगा, और नहीं तो 2003 से 8 तक जिस तरह जल सेवा वितरण करके शिवपुरी नगर की सेवा दी थी, मैं राजनीति में नहीं लेकिन समाज सेवा के पथ पर चल करके आगे बढ़ूंगा। आप सबके जैसे सुझाव आएंगे मैं कदम। रघुवंशी साल 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। उन्होंने ज्योतिराज सिंधिया से नाराजगी के चलते कांग्रेस छोड़ दी थी। विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने अपने त्यागपत्र में लिखा है कि पूरे ग्वालियर चंबल में मेरे जैसे कई कार्यकर्ता हैं जिनकी उपेक्षा नवागत भाजपा ही कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया को लेकर वीरेंद्र रघुवंशी ने कहा कि सिंधिया ने यह कहकर कांग्रेस की सरकार गिराई थी कि किसानों का 2 लाख का कर्ज माफ नहीं किया जा रहा है, पर भाजपा की सरकार बनने के बाद सिंधिया ने किसान कर्ज माफी की बात करना तो दूर, आज तक कर्ज माफी के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला। 3 महीने का समय है, अब पीड़ा लोगों की जागेगी और लोग अपनी बात रखेंगे पार्टी में। आप अलग अलग व्यक्तिगत भी पूछ सकते हैं, ऐसी शहर के प्रबुद्ध पत्रकार साथी हैं, मूल भाजपा के कार्यकर्ता को वीडियो में नहीं आना चाहते लोग। मानव जीवन में कहीं ना कहीं भय रहता है, स्वार्थ रहता है, लेकिन सच्चाई आपको भी मालूम है कि मूल भाजपाइयों की स्थिति क्या हो गई है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन MP टू बी NIRF रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।